हेलो गाइस, मैं निमेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो मेरे टेबल पे अभी एक कैनन का MG2470 प्रिंटर रखा हुआ है। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं इसी का 15 डेज यूजेज रिव्यू। इसे मैं 15 दिन से यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या इसके अंदर प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीज आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रिंटर को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चलो इसे मैं प्रॉज एंड कॉन्स में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले प्रॉज बताने वाला हूं इस प्रिंटर। सबसे पहला प्रो ये है कि ये प्रिंटर काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। 3500 रुपए मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। इसके अंदर स्कैनर है, कलर प्रिंट निकलता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलता है, कॉपीज कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इतने सारे फीचर्स इतने कम प्राइस में, अभी तो सेल में आपको ये 3000 रुपए का मिल रहा है, काफी अफोर्डेबल है। अगर आप लेना चाहते हो, आपका बजट बहुत टाइट है, आप होम एंड ऑफिस यूज के लिए प्रिंटर लेना चाहते हो पर्सनल अपने लिए, तो आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो। दूसरे प्रोस पे आते हैं, इसका जो प्रिंट का क्वालिटी है ना, सच में काफी सुपर्ब है। या आप बात करो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट की, या आप बात करो कलर प्रिंट्स की, बहुत अच्छा कलर यहाँ पे बहुत ही नेचुरल सा ये प्रिंट करके देता है। एंड आपको प्रिंट में कोई सा भी लाइनिंग या आपको हेज दिखाई नहीं देगा, कोई भी ब्लरीनेस नहीं मिलेगा, प्रिंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर आता है। तो बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको ये प्रिंट्स देने वाला है। तीसरे प्रो की बात करता हूं, तो ये प्रिंटर काफी ज्यादा फास्ट है। जब आप इससे प्रिंट करोगे ना, तो शुरू टाइम पे इसे वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद बहुत ही क्विकली यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स निकलते हैं। एंड कलर प्रिंट निकलने में ब्लैक एंड व्हाइट वाले से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कलर्स कॉम्बिनेशन मिला करके बनने में थोड़ा टाइम लगता है कलर फोटो को, तो काफी फास्ट है। चौथे प्रो पे आते हैं, इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अमेजिंग है। इसके जो पार्ट्स यूज किए गए हैं बहुत ही अच्छा, यहाँ पे मैट प्लास्टिक आपको मिलता है, एंड ऊपर में आपको ग्रे कलर का डिजाइन देखने को मिल रहा है, नीचे आपको व्हाइट पार्ट्स दिखता है। तो प्लास्टिक का यूज किया गया है ना, हार्ड प्लास्टिक है एंड काफी ड्यूरेबल लगता है, ऐसा नहीं कि दबाने से कहीं पे भी ये फ्लेक्स करता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक का क्वालिटी यूज किया गया है। एंड अगर आप इसे अपने रूम पे रखोगे या फिर जहां भी ऑफिस पे रखना चाहते हो, इसका डिजाइन एंड लुक काफी ज्यादा प्रीमियम दिया गया है। देख सकते हो, देख करके ना कोई भी नहीं बोलेगा ये इतने कम प्राइस का प्रिंटर है। एटलीस्ट 8-10 हजार का तो लगता है, बट सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में आपको ये सेल में मिल सकता है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अमेजिंग है, इसे मैं 9/10 देना चाहूंगा। बात करते हैं फिफ्थ प्रो की। ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर नहीं है, ये ऑल इन वन प्रिंटर है। इसके अंदर आप प्रिंट्स निकाल सकते हो, जेरोक्स कर सकते हो, कलर प्रिंट निकाल सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट रख के सेव कर सकते हो उससे अपने पीसी या लैपटॉप में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए नहीं है, ऑल इन वन है, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, बहुत सारे काम आपकी ये कर देगा। सो गाइस, ये थे इसके कुछ प्रोस। चलो अब कॉन्स पे आते हैं। सबसे पहला कॉन जो मुझे लगा है ना, ये प्रिंटर डब्बे में तो इसने कहा था कि ये साइलेंट ऑपरेशन है, लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे ना, किसी डॉक्यूमेंट को रख के उसका जेरोक्स निकालोगे, तब ना थोड़ा ये ज्यादा साउंड करता है। जब इसका जो अंदर वाला स्कैनर के नीचे वाला बार मूव होता है, मुझे लगता है कि शायद वो आवाज करता है, खट 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 इस तरीके से आवाज करता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। ये है कि थोड़ा सा लाउड आपको लग सकता है, मैंने इसे ऑब्जर्व किया है कि लाउड नॉइज ये कर रहा है। दूसरे कौन पे आते हैं, इस प्रिंटर पे प्रिंट करने से पहले ना, इसे वार्म अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इसे पावर ऑन करोगे तो इससे आपको 1-1.5 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा, तब इसका सारा अरेंजमेंट हो जाता है, कलर्स अपने प्लेस में आ जाते हैं, वार्म अप हो जाता है, उसके बाद ये प्रिंट देता है 1.5-2 मिनट के बाद। अगर आप लगाते साथ तुरंत प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, तो 1-1.5 मिनट तो ये लेगा ही लेगा, उससे फास्ट ये नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद एक बार आप जब वार्म अप कर लोगे, उसके बाद ठीक से प्रिंट आता है, लेकिन वार्म अप टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर क्विकली वार्म अप हो जाता 0.5 मिनट के अंदर तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि बहुत बार इमरजेंसी में हमें कोई पेपर्स निकालना पड़ता है, तो वेट कोई आपका नहीं ना करोगे। अगर आप इसे बिजनेस पर्पज के लिए लेते हो, अपनी दुकान पर रखते हो, इतना टाइम लगेगा इसे वार्म अप करने में, प्रिंट करने में, कस्टमर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो थर्ड कौन की बात करें गाइस, तो इसका जो प्रिंट कॉस्ट आपको पड़ेगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। इसके साथ जो कार्ट्रिज फ्री में मिला था ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर वाला, ये रहा अभी आप देख सकते हो शायद अंदर में, तो ये कार्ट्रिज ना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट 10 कलर प्रिंट्स निकाल लिए हैं, एंड ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ऑलमोस्ट 25-30 प्रिंट्स अभी तक निकाले हैं। एंड मैंने जब लैपटॉप में देखा था इसे कनेक्ट करके, तो अभी भी मतलब हाफ से ज्यादा ही शो कर रहा था इंक लेवल। तो मैं उसका डिटेल्ड रिव्यू आपको बताऊंगा कि कितना इसका पेज निकला एक बार फुल कार्ट्रिज में, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, तब मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको पर पेज कॉस्ट कितना पड़ रहा है। क्योंकि अगर 750 रुपये का कलर कार्ट्रिज है, तो 750 में कितने प्रिंट्स निकल रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट आपके बड़े प्रिंटर से ज़्यादा है,
क्योंकि इसके अंदर कार्ट्रिज छोटा लगता है, कलर्स कम रहते हैं उसमें, तो कम प्रिंट्स देता है, लेकिन कार्ट्रिज का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो प्रिंट्स पर पेज का प्राइस ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन बड़े वाले मशीन्स में क्या होता है ना, वो तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए रहता है, बड़े बड़े साइजेस के, तो उनमें ना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, 1 रुपये 50 पैसे अगर आप ज़्यादा निकालोगे तो उस तरीके से प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट इनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन ठीक है उतना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर आपको कलर प्रिंट का 6 से 7 रुपये तक मैक्सिमम पड़ सकता है एंड ब्लैक एंड वाइट का 4 से 5 रुपये तक, ठीक है एवरेज। अगर आप घर पे रखोगे तो आप डेली तो नहीं यूज़ करोगे, तो मैनेजेबल है। तो ये थे गाइस इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने यूज़ करते हुए इसे फील किया है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड आपके प्रिंटर से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना ज़रूर, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। जल्द से जल्द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।